हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। आपका सीमा सिक्स रेसिपी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दाल मखनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने वाली हूँ मैं आज। दाल मखनी का जो रिच फ्लेवर है, बच्चों को और बड़ों को दोनों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हम बटर क्रीम का यूज़ करते हैं। दाल मखनी सभी घरों में अलग अलग तरह से बनाई जाती है। कोई इसमें दूध डालता है, कोई दही डालता है, कोई देसी घी के साथ बनाता है। तो दाल मखनी जो है वो सबकी फेवरेट है। दाल मखनी है पार्टी शादियों में बनाई जाती है। तो चलिए, दाल मखनी बनाने के लिए हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लेंगे दाल और राजमा। इसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और राजमा की क्वांटिटी कम होती है। टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, काली मिर्च ये कुटी हुई है, मैंने पाउडर का यूज़ नहीं किया है। अजवाइन, दाल मखनी काफ़ी हैवी हो जाती है तो इसे डाइजेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन ली है। कसूरी मेथी, नमक स्वाद के अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, बटर, हींग, अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई में थोड़ा सा दूध डाल के उसको फेंट के उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे दही लिया है। ये दो छोटे तेज पत्ते हैं, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची। मखनी बनाने के लिए हमने सबसे पहले कुकर लिया है, हमने गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें अपनी ये दाल डाल देंगे। 3 कप के करीब मैंने यहाँ पे पानी लिया है। आधा चम्मच के करीब हम इसमें नमक डाल देंगे। कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे। अब हम इसे 15 सीटी आने तक पकाएंगे। उड़द की दाल और राजमा को मैंने पूरी रात के लिए भिगोया है। अगर आप इंस्टेंट दाल मखनी बनाना चाहते हैं तो आप दाल को तेज गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। 1 घंटे बाद जो हमारी दाल है वो अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी, तो आप उससे दाल मखनी बना सकते हैं। एक बात का आप जरूर ध्यान रखिए, जिस पानी में आपने दाल को भिगोया है आपको वो पानी यूज़ नहीं करना है, आपको दूसरा पानी यूज़ करना। अगर आप वही पानी यूज़ करोगे तो उससे हैवी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उस पानी को निकाल के आप दूसरे पानी में उसे उबालें। हमने अपने कुकर को दूसरी गैस पर रख दिया है। अब हम अपना चौक तैयार कर लेते हैं। हमारी जो कढ़ाई हो गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें बटर डालेंगे। मैंने कढ़ाई में बटर डाल दिया है। अब हम गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे, नहीं तो हमारा जो बटर है वो जल सकता है। मैंने 2 चम्मच के करीब बटर डाला है। अब दाल मखनी में अगर बटर ना डालेंगे तो फिर दाल मखनी क्या कहलाएगी, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा बटर का यूज़ किया। अगर आप चाहें तो आप कम बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो बटर है वो मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें हींग डाल देंगे। फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसालों को। प्याज डालेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। अब हम प्याज को ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। मैंने इसमें जीरे का यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हैं। दाल और राजमा थोड़ी हार्ड होती है, इसे पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप चौक में बटर डालना नहीं चाहते तो आप इसमें घी का यूज़ कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी प्याज जो अच्छे से भून चुकी है, अब हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सूखे मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर लिया है, नीले लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं। मसाला है वो अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब हम इस मसाले को 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। इसे पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही डालते वक्त आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, नहीं तो जो हमारी दही है वो फट जाएगी। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दही डालने से जो दाल मखनी का टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब हम इसमें लेड लगा देंगे और 2-3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकने देंगे। हमारे मसाले को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो मसाला है, हमारी जो दाल है वो अच्छे से पक चुकी है और इसे मैं बिल्कुल ठंडा होने के बाद अब मैं इसे खोलूँगी। इससे पहले आप मत खोलिए, तो हम खोल के देख लेते हैं। हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसे चौक में डाल देंगे। डालने से पहले आप इसे थोड़ा मैश कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी घुटी हुई दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। हमने दाल को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ये 1 कप गर्म पानी डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी आप इसमें गर्म ही यूज़ कीजिए, ठंडा यूज़ मत कीजिए। ठंडा पानी अगर आप डालोगे तो आपको थोड़ा उसे पकाना पड़ेगा, अगर आप गर्म पानी डालोगे तो आप सीधा इसे छोंक में डाल सकते हो। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। हम अपने मसाले में अब दाल डाल देंगे, कर देते हैं एक बार। अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हम 15 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। लगा दी। अब हम इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे, ताकि दाल और जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको दाल में पानी कम लगे तो इसमें थोड़ा पानी गर्म करके ऐड कर सकते हैं। दाल मखनी को थोड़ा थिक या थोड़ा लिक्विड रखना वो आपकी मर्जी है, आप जैसा पसंद करते हैं आप वैसा इसमें पानी यूज़ कीजिए।
अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। मुझे इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं इसमें एक कप पानी और ऐड करूँगी। ये गर्म पानी ही है, मैंने इसे 5 मिनट पकने के बाद एक बार चेक कर लिया है। इसे 10 मिनट के लिए और पकने देते हैं। हमारी दाल को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आधी चम्मच के करीब हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, काली मिर्च मिक्स कर देते हैं हम। हमारी दाल जो अच्छे से पक चुकी है, हमारे पास क्रीम है वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं। क्रीम आप सबसे लास्ट में ही डालेंगे, लास्ट में डालने से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। हमारी दाल जो है बिल्कुल तैयार। अब हम इसमें छोक लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसको गर्म कर दिया अच्छे से। पैन जो है अच्छे से गर्म हो चुका, अब हम इसमें अपना ये बटर डाल देंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर डालेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसे एक बार मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम इसमें हमारे पास जो कसूरी मेथी है वो डाल देंगे, अब हम इसे भी अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी से हमारी जो दाल मखनी का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। बटर का मिक्सचर ये तैयार हो चुका, अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो ये लीजिए, मैं इसमें ये डाल देती हूँ। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारी दाल जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दाल मखनी को हमें थोड़ा लिक्विड ही रखना है क्योंकि ठंडी होने के बाद थोड़ी ठीक हो जाती है। आपको सर्व करके दिखाती हूँ।